नमस्कार दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में खुशियां मुख्य द्वार से दस्तक देती है। इसीलिए घर के मेन गेट का सही दिशा में होना, सही तरह से बना होना, सही रंग से रंगा होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको इसकी सही जानकारी लेनी है तो वीडियो को जरूर देखें। ऐसे व्यक्ति के सौंदर्य और चरित्र का आईना उसका मुख होता है, इसी प्रकार घर का मुख्य द्वार जो है वो भी यही विशेषताएं लिए होता है। अगर ये मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर की ओर हो तो इसमें इससे वास्तुशास्त्रीय गुणों में काफ़ी उच्च स्थान दिया गया है, जिससे कि वहाँ रहने वालों को स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, स्वास्थ्य संबंधी उन्हें लाभ मिलता है और जिससे कि सूर्य उदय की किरणें जो हैं वो भी उनका लाभ मिलता है। ये हमें स्वास्थ्य संबंधी तो अच्छा फल देते ही हैं, उसमें वहाँ रहने वालों के लिए सुख, सौभाग्य और समृद्धि भी प्रदान करते हैं, जिससे कि उन्हें शांति मिलती है। अगर ये मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम की ओर होते हैं तो उसे हम लोग वास्तुशास्त्र में इतना अच्छा स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि इससे एनर्जी जो है बाहर जाने का रास्ता मिलता है। अगर वो पूर्व किसी का बंद हो जाए तो वो उससे और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पूर्व या उत्तर की ओर मुख जो है भवन का वो सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे सूर्य उदय की किरणों का लाभ मिलता है और एनर्जी का बैलेंस जो है, ऊर्जा का प्रवाह जो है घर में बिल्कुल सही सलामत चलता रहता है। तो जैसा कि अभी वास्तु एक्सपर्ट ने बताया कि घर में अगर कुछ भी वास्तु के हिसाब से ना हो तो ऐसे में दोष पैदा हो जाता है। इससे उस घर में रहने वाले सदस्यों को मानसिक तौर पर तो परेशानी झेलनी ही पड़ती है, इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब आपको कुछ वास्तु टिप्स बताते हैं। अब मुख्य द्वार की बात है तो मुख्य द्वार जो है वो भवन के कभी भी सेंटर में नहीं होना चाहिए, वो साइड पे होना चाहिए। मुख्य द्वार साइड में होने से उसके साथ एक छोटा द्वार जो होता है वो हो सकता है। मुख्य द्वार जो है वो जो धर्म स्थान है उनका मुख्य द्वार जो है वो सेंटर में हो सकता है, लेकिन भवन का मुख्य द्वार जो रहने वाले घर का मुख्य द्वार है वो साइड पे ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इससे मुख्य द्वार में किसी तरह का रुकावट ना हो, जैसे कि घर के मुख्य द्वार के सामने कुछ खंबा पिल्लर वगैरह होते हैं या ट्रांसफार्मर हैं, कुछ लोगों के घरों के सामने पानी खड़ा हो जाता है, जनरेटर भी बिल्कुल दरवाजे के साथ ही मेन गेट के साथ लगा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आने जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो और उससे किसी भी तरह का रुकावट, कुछ लोगों ने वहाँ कूड़ादान भी मेन गेट के साथ ही रख देते हैं, वो नहीं रखना चाहिए, इससे के परेशानी होती है, वो नहीं होना चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।